नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल। वैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आप सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है कि निकट भविष्य में क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्य सरकारों के माध्यम से लॉकडाउन लगाया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य अलग अलग राज्यों के माध्यम से 10 दिन 15 दिन का जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है। लेकिन उससे पहले कोविड की इस महामारी में अपना साथ में अपनों का ख्याल अवश्य रखें, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य किया करें क्योंकि इस कोविड की महामारी में सबसे पहले जानकारी देने का जो प्रयास है वो किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के माध्यम से कई राष्ट्र अगर बात करें एजेंसियों के माध्यम से या फिर कई अगर हम कह सकते हैं संगठनों के माध्यम से जो भी लॉकडाउन के पक्ष में है उन सभी के माध्यम से लगातार अपील की जा रही है कि जो लॉकडाउन है वो लगा दिया जाए, संपूर्ण लॉकडाउन। अब ऐसे में केंद्र सरकार के माध्यम से तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बहस को अनसुना किया है, इससे उनका कहना है कि गरीबों की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो लॉकडाउन है वो नहीं लगाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कई राज्यों के माध्यम से अपने विवेक के अनुसार कई फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने भी लॉकडाउन लगा दिए थे और ऐसे में कोरोना की कहीं ना कहीं जो संख्या है वो थोड़ी सी गिरावट भी देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर इसी प्रकार मामले कम होते रहे तो निकट भविष्य के अंदर तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन लॉकडाउन होने से भी ये सत्य है कि बहुत ज़्यादा गरीबों को नुकसान भी होता है। लेकिन फिलहाल कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, चाहे वो 4 दिन का हो या फिर 15 दिनों का। उसी को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कहा गया था, कई संगठनों के माध्यम से भी कहा गया, साथ में अगर बात करें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से भी लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही थी। सरकार के सूत्र इसको लेकर तार्किक नहीं मान रहे, उनका कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन के वक्त कई लोगों को इसका कहीं ना कहीं उपवास उड़ाया था जबकि उस वक्त इसकी जरूरत थी। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार के माध्यम से तो पूरे तरीके से ना कर दी गई है, जो कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होगा। बाकी राज्य सरकारों के माध्यम से लगाया जाता तो उसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाती है। तो ये तो बात हो गई लॉकडाउन के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपी टीईटी 2021 को लेकर, पीएनपी सचिव की तरफ से एक बड़ा बयान देखने के लिए मिला है यूपी टीईटी विज्ञापन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया कि 11 मई को आप सभी का विज्ञापन जारी होना है। वैसे तो आप सभी को बताया कि 18 तारीख को आपके आवेदन होंगे, लेकिन जो विज्ञापन है वो पहले जारी कर दिया जाएगा। साथ में आपकी जो परीक्षा है वो 25 जुलाई 2021 को करवानी है पुराने कार्यक्रम के अनुसार। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर लगातार असमंजस देखने के लिए मिल रही है और इसको लेकर मैंने इससे पहले कई वीडियोस में आप सभी को जानकारी भी दी थी। उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 11 मई से यूपी टीईटी के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के चलते यूपी टीईटी 2020 में नहीं कराई जा सकी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के अंदर कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से था, तो ऐसे में इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया था। ऐसे में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के लिए यूपी टीईटी का इंतजार बढ़ सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी साथ में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मार्च में घोषणा हो गई थी कि 11 तारीख को यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, आपकी जो परीक्षा होगी वो 25 जुलाई 2021 को करवा ली जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी NIC और साथ में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनके बहुत सारे जो कहने की अगर हम कह सकते हैं अधिकारी प्रभावित हैं, तो ऐसे में इसको लेकर अभी तक जो फैसला है वो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी देखिए कि सचिव के माध्यम से क्या बयान दिया गया है। विज्ञापन को लेकर असमंजस बनी हुई है। NIC जहाँ से UPTET की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होनी है, वहाँ की अगर बात करें 2 से 3 अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। अब ऐसे में अगर बात करें यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि इस समय जब सरकार के पास यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस है, ऐसे में UPTET के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होगा, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही अगर बात करें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से जो चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अगर आपको याद होगा तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जब हम मुलाकात करते थे और आपको आकर के बताते थे, तो यही जवाब कहीं ना कहीं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, मतलब AVC हम इनको कहते हैं, इनके माध्यम से कहा जाता था
और ये कहते थे कि जब तक शासन की तरफ से कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि तय समय पे होगी या फिर स्थगित किया जाएगा। तो ऐसे में UPTET 2021 को लेकर तो सचिव का बयान है कि शासन स्तर से इसको लेकर जो वार्ता है वो की जाएगी और वहाँ से जैसे ही कोई फैसला आता है उसके अनुसार UPTET के कार्यक्रम को लेकर आपको जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में UPTET के कार्यक्रम में बदलाव होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसा किया जा सकता है कि UPTET का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए 18 मई से, और उसके बाद आप सभी को बताएगी लगभग आवेदन के लिए थोड़ा लंबा समय दे दें जिससे कि निकट भविष्य के अंदर परीक्षा के समय तक कोरोना का संक्रमण कम हो जाए। लेकिन फिलहाल जिनके माध्यम से आवेदन लेने हैं उनके ही कर्मचारियों को कोरोना हुआ है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में सचिव का बयान है कि इसको लेकर शासन स्तर पर एक चर्चा होगी, उसके बाद में मतलब बैठक होने के बाद ही को फैसला देखने के लिए मिलेगा, जिसकी उम्मीद है कि 7 से 8 तारीख को आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले कोई आदेश आता है तो उसकी भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में UPTET विज्ञापन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। बाकी जैसे ही कोई नई तारीखों की घोषणा होती है आप सभी को बता दिया जाएगा या फिर तय समय पर होती है तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें UP शिक्षक भर्ती परीक्षाएं अब किस तारीख को देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर जानकारी दी गई है। एडेड शिक्षकों की भर्ती साथ ही अगर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया को लेकर, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अब जुलाई के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जुलाई यहाँ पे क्यों लिखा है उसका रीज़न भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आवेदन में काफ़ी लंबा समय देखने के लिए मिला है। प्रदेश की अगर बात करें एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर TCET PGT 2021 की जो बात है वो की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए जो इंतजार है वो करना होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जुलाई माह तक ये परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है, जैसी कि जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आपको याद होगा TGT PGT 2021 को लेकर मैंने आपको लोगों को कई बार जानकारियाँ दी थी कि जुलाई के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन मार्क था कि इस बार अगर आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो। लेकिन TGT PGT को लेकर चयन बोर्ड अपने ही कहीं ना कहीं रंग में है, उनके माध्यम से 15 दिनों का और समय दे दिया। अब जब 15 दिनों का समय दिया तो जुलाई के अंदर परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जुलाई में इस परीक्षा को करवाया जाए, तो यहाँ पर लिखा है कि उसके बाद ही इम्तिहान की जो तारीखें वो घोषित की जा सकेंगी। ज्ञात हो कि चयन बोर्ड ने अब तक परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश 15 मार्च को प्रशिक्षित स्नातक साथी आपको पता है प्रवक्ता के लिए 2021 का जो विज्ञापन है वो जारी किया था, दोनों के अंदर 15,198 पद हैं। ऐसे में उसके लगातार जो आवेदन की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं और इन्हीं तारीखों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी उम्मीद है कि ये परीक्षा जुलाई में नहीं हो पाएगी। मैंने कहा भी था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं और उसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। मतलब अगर बात करें एडेड शिक्षकों जो TGT PGT 2021 की परीक्षा होने वाली है उसको लेकर कम से कम आप सभी को जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शासन के माध्यम से बार बार यहाँ पर तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। इस बार इतनी मांग भी देखने के लिए नहीं मिली थी। हालांकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अब ये समस्या लगातार बनती हुई दिखाई भी दे रही है 2-4 छात्रों के साथ में। वहीं दूसरी तरफ बात करें UP के अंदर और भी कई शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं जिसको लेकर PNP या फिर बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अगर कोई जानकारी होगी तो आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें UPSC न्यूज़ को लेकर 7वें परीक्षाओं के लिए जो पत्र है वो भेजा गया CM को, तो पहले आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा UPSC के माध्यम से तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे अभ्यर्थी। ये मामला संबंधित अगर आपको याद होगा मैंने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर कल देर शाम को एक वीडियो डाला था जिसके अंदर आपको जानकारी दी थी कि उन सभी को यहाँ पर उत्तर पुस्तिका दिखानी थी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन ऐसे में अभी आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी। उसका रीज़न आप सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण के चलते लोक सेवा आयोग के माध्यम से फिलहाल इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को दे दी गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें CM योगी को लगातार पत्र लिखकर के तारीख बढ़ाने की जो मांग है वो की जा रही है परीक्षाओं की, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा PCS में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े अभ्यर्थी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर PCS 2021 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर लगातार CM को जो पत्र हैं वो भेजे जा रहे हैं। कोविड के प्रकोप के समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है, इनको लेकर अगर बात करें प्रतियोगी छात्र भी इसमें शामिल हैं। कई प्रतियोगी छात्र कोविड संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई है, तो किसी ने अपने माता पिता या फिर अन्य करीबी रिश्तेदारों को खो दिया है। अब ऐसे में 13 जून को होने वाली PCS परीक्षा को स्थगित करने की जो मांग है वो CM से की जा
जिलाई लोक सेवा आयोग को लगातार पत्र भी लिखे जा रहे हैं। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और ओवर एज हो रहे छात्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए उनके जो आवेदन है वो लिए जाए, ऐसा यहाँ पे छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि पीसीएस परीक्षा जो 13 तारीख को होने वाली है उसको स्थगित करते हुए यहाँ पे जिनकी आयु बढ़ गई है उनको मौके दे दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो उन छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी। उसी को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से कभी सीएम को तो कभी लोक सेवा आयोग, कभी अगर बात करें ट्विटर के माध्यम से जो मांगे वो रखी जा रही है। अब इसको लेकर क्या होगा निकट भविष्य के अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है निकट भविष्य के अंदर आने वाली एक और भर्ती के लिए। जैसा कि आप सभी को बताएं कांस्टेबल जीडी की भर्ती के लिए जल्द आपको जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मतलब कि एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2021 के लिए 40,000 पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो इसी महीने शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एसएससी की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते एसएससी मुख्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के नियम लागू हैं। कर्मचारी नहीं आने से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पिछड़ रही है। मतलब जैसा कि आप सभी को बताया इसको लेकर जो तैयारियां वो नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में आयोग की सूत्रों की माने तो कर्मचारियों की कमी के अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है। संबंधित विभाग की ओर से पदों का विवरण नहीं भेजा गया है जिससे पहले से तय तिथि 25 मार्च को कांस्टेबल जीडी भर्ती का जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि जल्द ही इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। लगभग 40,000 पदों पर इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा जिसको लेकर जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए आप सभी के जो आवेदन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता को लेकर तो 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए है जो एसएससी जीडी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 2018 में जारी हुआ था, 2021 आ गया है लेकिन अभी भी ये मामला लटका हुआ है। और ये मामला लटका है थर्ड चयन सूची वाले छात्रों के लिए। लगातार उनके माध्यम से थर्ड चयन सूची की जो मांगे वो की जा रही है। शासन प्रशासन के माध्यम से तमाम दावे किए जाते हैं कि जल्द इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा लेकिन कहीं ना कहीं बार बार छात्रों का जो इंतजार है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में इसको लेकर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जो आपका इंतजार है वो लगभग समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कल की तारीख में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से था, उसको लेकर छात्रों के मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर मायूसी देखने के लिए मिली लेकिन असल में ये आप सभी के लिए खुशखबरी थी। अगर हम बात करें खाक के अंदर आप सभी को जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो विसंगतियों के कारण पद रह गए या फिर जो भी मामले लटके हुए हैं उनको लेकर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, तो इस बैठक के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा था कि लगभग 38 ऐसे जिले हैं जो कि ऊपर लिखे हुए इस नोटिफिकेशन में, उन सभी के माध्यम से डाटा नहीं भेजा गया है। इस प्रकार की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, जानकारी लेने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर लगातार सभी जिलों से जानकारी मांगी जा रही है। इसमें कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनके माध्यम से 69,000 के नवनियुक्त शिक्षकों को यहाँ पर वेतन की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, इसको लेकर यहाँ बैठक होने वाली है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर स्थानांतरण के मामले देखने के लिए मिले हैं, तो इसलिए भी बैठक होने वाली है। और कुछ एक आधा जिला ऐसा भी है जहाँ पर 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर मामला लटका है, तो उसको लेकर बैठक होगी। तो ऐसे में ये बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ से डाटा मांगा जा रहा है, डाटा नहीं मांगा जा रहा है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उनके माध्यम से डाटा क्यों नहीं भेजा गया है, क्या कोई पद रिक्त रह गया है, तो इसको लेकर यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवालों के जवाब लेते हुए मामले का जो निस्तारण है वो किया जाएगा। इससे पहले सिर्फ पत्र जारी किया गया था कि यहां पे शपथ पत्र आप सभी दीजिए कि सबके माध्यम से सभी पदों के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब इसको लेकर बैठक हो रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टोटल 38 जिलों का डाटा आएगा, फिर उसके बाद में अगली मीटिंग में 10 जिलों का डाटा आएगा, 15 जिलों का डाटा आएगा। इससे पहले डाटा मांगा जा रहा था, इस बैठक के अंदर सिर्फ जानकारी ली जाएगी जो कहीं ना कहीं अधिकारी के सूत्रों से जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो निकट भविष्य के अंदर जल्दी आप सभी के सामने जो थर्ड चयन सूची है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको याद होगा तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप सभी को पहले से बताया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जल्दी एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा जो कि जारी कर दिया गया कल देर रात को। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची वाले छात्र कहीं ना कहीं लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी को यहाँ पर और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 38 जिलों का डाटा आया, फिर 30 का आएगा, फिर 15 का आएगा, फिर 10 का
का आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जानकारी ना तो किसी के माध्यम से दी गई है और ना ही ऐसी बेसिक शिक्षा परिषद से मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से लगातार कार्यालय बंद था। अब ऐसे में 7 तारीख की बैठक के बाद में उम्मीदें ज़्यादा हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आप सभी का जो इंतजार है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और जल्दी आपको चयन सूची देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन काउंसलिंग को लेकर थोड़े से क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अगर यहाँ से चयन सूची भी जारी हो जाती है तो काफ़ी हद तक छात्रों का कहने की यहाँ से जो राहत है वो मिल जाएगी, क्योंकि लगातार जो जानकारी लेने का प्रयास है अधिकारियों से किया गया, ऐसे में जानकारी मिली है कि जल्दी आप सभी की जो थर्ड चयन सूची है वो जारी होने वाली है। इसको लेकर इतना संबंध मत बनाइए कि यहाँ पर आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा डाटा को लेकर, डाटा नहीं मांगा गया है। अगर किसी को लेकर यहाँ पर समस्याएं हैं तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर थर्ड चयन सूची वाले छात्रों का लगभग जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। अब इंतजार करिए खुशखबरी को लेकर। बाकी जो छात्र डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर परेशान है, मैंने उनको बताया है कि 31/7/36 के अनुसार आप सभी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। लगभग वही आप सभी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी जो शपथ पत्र होगा उसके लिए फॉर्मेट अलग से जारी किया जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से। बाकी DD को लेकर आप सभी को तय समय से पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।